देश में 1975 में आपातकाल को 25 जून शुक्रवार को 46 वर्ष पूरे हो गए। आपातकाल के 46 वर्ष पूर्ण होने पर इंदौर जिले के बेटमा में भाजपा नेताओं द्वारा मीसाबंदी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्हें आपातकाल का समय याद कर अपने अनुभव बताए। 25 जून 1975 को देश को थोपे गए आपातकाल की काली रात को याद करते हुए गुरु नानक मंडल बेटमा ने मीसाबंदी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह रख उस समय की याद को ताज़ा किया। बेटमा क्षेत्र के जगदीश शर्मा रंगवासा, जो कि एक मीसाबंदी है, को भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने हार माला श्रीफल और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इनके साथ ही यशवंत चौधरी का भी सम्मान होना था, लेकिन उनका देहांत होने के कारण उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्य समिति सदस्य गोपाल सिंह चौधरी ने कहा कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर वोटरों को घूस देने, सरकारी मशीनरी का उपयोग करने और 14 आरोपों में दोषी पाया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा था। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल थोप कर RSS और जनसंघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। आपातकाल की घोषणा हुई, हम लोगों को रात को चड्डी बनियान में ही उठा के थाने में लाए और यहाँ से हथकड़ी डालते हुए इंदौर सेंट्रल जेल तक लेकर गए। वहाँ पे जेल के अंदर कई लोगों के साथ कई अत्याचार हुए, कई लोगों को मारा पीटा, कई लोगों को बर्फ की शिला पे लिटाया गया और कई लोगों के जो है बच्चे शांत होने के बाद भी उन लोगों को कभी पेरोल पे छोड़ा नहीं गया, कई लोगों के साथ अत्याचार। बच्चों की ये स्थिति हुई कि कई लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि जो घर में कमाने वाला ही अंदर हो गया था, कई लोग परेशानी में आकर के भूखे मरने की नौबत आई। परंतु कांग्रेस की इस सरकार ने कोई रियायत नहीं करते हुए, चाहे उनके घर का कोई व्यक्ति मर गया उसके बाद भी उन लोगों को नहीं छोड़ा गया। बाद में जब इमरजेंसी समाप्त हुई और इमरजेंसी के बाद में जनता पार्टी का गठन हुआ, सभी पार्टी के लोगों ने जनता पार्टी बनाई और जनता पार्टी की सरकार बनी। उस सरकार के बाद लोगों को राहत मिली और जब 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, आदरणीय शिवराज जी जब 2005 में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सब मीसा बंधुओं को बुला करके उनकी बैठक की, उनसे बात की भाई क्या सुविधाएं आपको देना चाहिए। फिर उन्होंने उनका मानदेय तय किया और आज वो बढ़ा करके धीरे धीरे सम्मान निधि बोलते हैं उसको, 25,000 रुपये तक मिल रहा है। बेटमा से भूपेंद्र पंचोली की रिपोर्ट।